नाथ नगरी बरेली धामाठ नाथ मंदिर जल अभिषेक परिक्रमा का निकाली गई। हिंदू समाज कल्याण ट्रस्ट और राष्ट्रीय सेवा संघ नाथ नगरी बरेली धाम द्वारा आयोजित आठ नाथों की एकमात्र पारंपरिक नाथ नगरी बरेली धाम जल अभिषेक परिक्रमा तपेश्वर नाथ मंदिर से प्रारंभ होकर मणिनाथ धाम मंदिर, अलकनाथ धाम, विभूति नाथ धाम, शाहबाद मंदिर, त्रिवती नाथ धाम मंदिर से डेड़ीपुरम दुर्गा नगर होते हुए वनखंडी नाथ धाम मंदिर, पशुपति नाथ धाम मंदिर से सैटेलाइट पटेल चौक, चौकी चौराहा, बियाई बाजार व सदर होते हुए धोपेश्वर नाथ धाम पर पूर्ण जल अभिषेक आरती व प्रसाद के साथ संपन्न हुई। राष्ट्रीय सेवा संघ द्वारा आशी तपेश्वरनाथ मंदिर से हमारे जो बरेली नाथ नगरी है सभी नाथों की परिक्रमा के लिए आज पंडित शिवानंद जी महाराज जी और साथियों के नेतृत्व में एक यात्रा निकल रही है। उसी यात्रा के निमित्त हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अभी भगवान तपेश्वरनाथ जी को जलाभिषेक कर यात्रा की हम शुरुआत करने वाले हैं। पवित्र श्रावण मास चल रहा है। बरेली नाथ नगरी के सभी सम्मानित नगरवासियों को मेरी और पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत श्रावण मास के सोमवार की शुभकामनाएं, बधाई जाती है। और ये परिक्रमा 2007 से हो रही है, लगातार होती जा रही है। सातों नाथ ये परिक्रमा जाती है। अभी तपेश्वरनाथ मंदिर शुरू होकर ये मणिनाथ जाएगी, मणिनाथ से अलकनाथ मंदिर, अलकनाथ से बाद विभूतिनाथ, विभूतिनाथ के बाद आपके त्रिवेटीनाथ मंदिर, त्रिवेटीनाथ के बाद ही हम लोग आपके पशुपतिनाथ मंदिर, पनखंडीनाथ के बाद पशुपतिनाथ, उसके धोपेश्वरनाथ महाआरती का संपन्न होगी। इसमें होंगे कम से कम 1000-1500 लोग। आज नाथ नगरी परिक्रमा निकाली जा रही है, कहाँ से कहाँ तक निकलेगी, कब तक निकाली जा रही है? हमारे धर्म में सुविख्यात है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ये पूरी सृष्टि के संचालक हैं। जन्म हो, मरण हो, जीवन हो, सब इन्हीं के हाथ में है। सब विद तेरे हाथ, उस धारणा को यह श्रावण का पावन जो महीना होता है, ये भोलेनाथ का महीना माना जाता है। हमारे धर्म में इसकी जो महत्ता है वो जन जन जानता है, नहीं भी जानता है तो इतना जानता है भोलेनाथ को जल चढ़ाना है। और दूर दूर से पैदल यात्री आते हैं। और इस मंदिर में, ये श्री तपेश्वरनाथ मंदिर में हमने उस समय शुरू किया था जब लोग ये जानते नहीं थे तपेश्वरनाथ मंदिर कहाँ पे है। और हमने इसलिए इस जगह को हमने तपेश्वरनाथ मंदिर के से प्रारंभ करके सबको ये रास्ता दिखाया कि हमारे जो सात नाथ हैं उसमें ये यहाँ पे लोग तपस्या करते थे। ये उन नाथों में से है जहाँ संत लोग आके तपस्या करते थे। तो इस स्थान को हमने चुना और धोपेश्वरनाथ को हमने अंतिम कड़ी दी, जो यहाँ के पूर्ण संरक्षक हैं बरेली धाम के। और